आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 21 नवंबर से 27 नवंबर 2022 का। आने वाला सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा उसी विषय पर बात करूंगी इस वीडियो में। आप लोग अपने राशिफल को लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ही देख सकते हैं, उसे परिणाम बहुत स्पष्ट पता चल पाता है। और राशिफल बताने के पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हर एक राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स डाला हुआ है, तो सीधे आप अपने राशि के ऊपर जाकर के परिणाम सुन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार से लेकर के बुधवार दोपहर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यात्राएं होंगी, यात्राओं से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। कार व्यवसाय बिजनेस में काफी सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों में काफी आपको सामंजस्य मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। व्यापारिक गतिविधियां आपको लाभ देंगी। बुधवार दोपहर से लेकर के शुक्रवार शाम तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर आपको सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। अचानक से आप अपने आप को मेंटली इमोशनली काफी लो फील करेंगे। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए, कुछ भी बड़े निर्णय करने हैं, मीटिंग करनी है, कोई पेपर रिलेटेड वर्क करने हैं, कोई भी बड़े निर्णय के लिए समय अनुकूल नहीं रहेगा, उसको आप टालने का प्रयास करिएगा। शुक्रवार शाम से लेकर के जो संडे का दिन रहेगा पूरा, वो आपके लिए जर्नीज लेकर के आ सकता है, जो कि आपके एजुकेशन से जुड़ करके हो सकते हैं या किसी तरह की धार्मिक यात्राओं पे आप जा सकते हैं। टूर ट्रेवल्स मास मीडिया का आपको काफी सहयोग मिलेगा। पिता के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाइएगा, पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी मेष वाले लोग हैं, ये सप्ताह आप लोगों के लिए, जो लोग एजुकेशन से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, शेयर ट्रेडिंग का कार्य करते हैं, थोड़ा सा सावधानी के साथ में करिएगा, पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस बनाइएगा। किसी तरह के रिलेशनशिप में है, संबंधों में आपको थोड़ा सा खटास देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। परिवार के अंदर सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। किसी तरह के एनिमीज, रोग, ऋण, शत्रु होंगे, वहां पर आपको सहूलियत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, गूढ़ विषयों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय काफी अनुकूल है। विदेशों से लाभ की स्थितियां हैं। कार्य क्षेत्र विस्तार आपका पाता हुआ मिलेगा। फैमिली के अंदर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन, निर्माण, रिनोवेशन, इस तरह की गतिविधियां भी आपको इस सप्ताह में दिखाई पड़ेंगी। आर्थिक लाभ अवश्य होंगे आप लोगों के लिए। जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए समय काफी अनुकूल है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको तालमेल बनाने की जरूरत रहेगी। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ शुरू हो रहा है, मंडे से लेकर के बुधवार दोपहर तक का जो समय रहेगा, पहला काम करना है आपको अपने बच्चों के साथ में थोड़ा सा तालमेल बनाना है। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में है, वहां आपको सामंजस्य रखने की आवश्यकता रहेगी। पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद की स्थितियां निर्मित होंगी। यात्राओं के द्वारा लाभ के योग निर्मित होंगे। किसी तरह का डिस्प्यूट, लीगल इश्यूज वगैरह रहे होंगे, वहां पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगी। जर्नीज होंगी जो कि आपको काफी सपोर्ट देंगी। बुधवार दोपहर से लेकर के शुक्रवार शाम तक का जो टाइम पीरियड शुरू होगा, व्यापारिक गतिविधियों की दृष्टि से समय बहुत अनुकूल रहेगा। जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। यात्राएं आपके व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, शुक्रवार शाम से लेकर के संडे का पूरा दिन, वहां पर आपको काफी संयमित होकर के रहना है। समय काफी विपरीत रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण कार्यों को टालने का प्रयास करिएगा। कोई भी बड़े निर्णय लेने हैं, कोई भी मीटिंग करनी है, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है, उसके लिए समय बिल्कुल भी नहीं अनुकूल रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मानसिक रूप से आप अपने आप को थोड़ा सा वीक पा सकते हैं, तो कोई भी बड़ा कार्य करना है वहां पर थोड़ी सावधानी बरतिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, ये जो पूरा पूरा सप्ताह है आप लोगों के लिए, एजुकेशन, उच्च शिक्षा, आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल है। बच्चों से संबंधित चीजों के लिए, जीवन साथी बिजनेस पार्टनर से संबंधित चीजों के लिए समय अनुकूल है। कुछ लोग नए प्रेम संबंधों में जा सकते हैं। कुछ लोगों को बच्चों से संबंधित कुछ प्राप्तियां हो सकती हैं। विवाह से संबंधित निर्णय आप इस समय पर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए आय की स्थितियां अनुकूल बनी हुई है। मेहनत, पराक्रम, पुरुषार्थ के द्वारा लाभ के योग बने हुए हैं। सावधानी जो रखनी है वृषभ वालों के लिए, कोई भी आपका बाहर से जुड़ा हुआ कार्य है, विदेशों से जुड़ करके अगर आप कुछ कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, वहां पर आपको लाभ के योग निर्मित
होंगे, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी के साथ में करिएगा। उच्च शिक्षा की दृष्टि से समय बहुत अनुकूल है। पिता के लाइफ में कोई पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं या आप अपने एजुकेशन रिसर्च से जुड़ करके कुछ जर्नीज भी इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार से लेकर के बुधवार दोपहर तक का टाइम पीरियड रहेगा, काफी सावधानी रखनी है आपको। शुरुआत का जो पहला दिन रहेगा, महत्वपूर्ण कार्यों को टालिएगा, किसी के साथ वाद विवाद कलह क्लेश मत करिएगा, मदर के साथ वैचारिक मतभेद की स्थितियां निर्मित होंगी। आपको अपने स्वास्थ्य, मदर के स्वास्थ्य में कुछ छिटपुट दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं आपको सप्ताह का जो पहला दिन है दिखा सकता है। इसके बाद आपको अपने संबंधों का ध्यान रखना है। बच्चों से संबंधित कार्यों को बहुत सावधानी के साथ में करिएगा। बच्चों के साथ वैचारिक मतभेद वाद विवाद की स्थितियां निर्मित होंगी। जो लोग किसी तरह के प्रेम संबंधों में है, पार्टनर के साथ में थोड़ा डिस्प्यूट और एक मेंटल डिस्टेंस वाली स्थिति निर्मित होगी, वहां पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बुधवार दोपहर से लेकर के शुक्रवार शाम तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यात्राएं होंगी, यात्राओं के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। किसी तरह का डिस्प्यूट, रोग, ऋण, शत्रु जैसी स्थितियां होंगी, वहां पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, शुक्रवार शाम से लेकर के संडे का पूरा दिन, व्यवसायिक गतिविधियों की दृष्टि से समय अनुकूल है। व्यापारिक गतिविधियां आपको लाभ देती हुई दिखाई पड़ेंगी। यात्राओं से लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ काफी अच्छा टाइम पीरियड आप स्पेंड करेंगे। जो लोग व्यापार करते हैं, किसी भी तरह के खुदरा व्यापारी हैं, उनके लिए काफी अच्छा समय है। आर्थिक लाभ आप लोगों को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, ये जो टाइम पीरियड है, आपको आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए अवश्य होंगे। जो आपके सिबलिंग्स है, करीबी लोग हैं, उनके साथ संबंधों का आप ध्यान रखिएगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़े बदलाव करने के पहले काफी अच्छे से उसको देखिएगा, परखिएगा। व्यापारिक गतिविधियां आपको लाभ देंगी। व्यवसाय बिजनेस में उन्नति के योग हैं। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए अवश्य होंगे। परिवार के अंदर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन, निर्माण, रिनोवेशन की स्थितियां बनी हुई हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित चीजों के लिए समय अनुकूल बना हुआ है, वहां से आपके लिए लाभ की प्राप्तियां हो सकती हैं। बच्चों से संबंधित जो चीजें रहेंगी, किसी तरह के आप रिलेशनशिप में हैं या आपके बच्चे छोटे हैं, उनके जीवन से संबंधित कोई निर्णय करना है या अपने क्या जो आपका पार्टनर है उसके साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद के योग बन सकते हैं। रिलेशनशिप की दृष्टि से समय थोड़ा सा सावधानी के साथ में आगे बढ़ने का रहेगा। कार्यक्षेत्र आप लोगों के लिए काफी सपोर्ट देता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये समय रहेगा जिन लोगों का कार्य व्यवसाय कहीं बाहर से जुड़ करके, उनके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे, आर्थिक लाभ होंगे, लेकिन अपने अधिकारियों के साथ तालमेल बनाइएगा। जो आपसे बड़े लोग हैं, जो आपके बॉसेज हैं, जिनके साथ में आप काम करते हैं, उन लोगों के साथ में रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखिएगा, कोई वाद विवाद नहीं होने पाए। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार का जो पहला दिन रहेगा, वहां पर कुछ आपके लिए यात्राएं होंगी जो कि आपको लाभ देने का काम करेंगी। टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया से संबंधित क्षेत्रों से जुड़ करके जिनका कार्य है, वहां पर लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित हो रही हैं। मंडे दोपहर से जो समय शुरू होगा और शुक्रवार शाम तक का रहेगा, वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। परिवार के अंदर अचानक से वाद विवाद कलह क्लेश के योग निर्मित होंगी। मदर की सेहत में किसी तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। आपके मेंटल इमोशनल हेल्थ में कोई कमी देखने को मिल सकती है। पारिवारिक दृष्टि से समय उतना अनुकूल नहीं रहेगा। आपको संयमित होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। परिवार के अंदर की स्थितियों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बुधवार दोपहर से लेकर के शुक्रवार शाम तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके पार्टनर की दृष्टि से थोड़ा सा सामंजस्य बनाना है। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में हैं, पार्टनर के साथ में वैचारिक मतभेद होगी, स्टूडेंट वगैरह है तो उनका पढ़ने से मन भटक सकता है। शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो सावधानी के साथ में कार्य करिएगा आप लोग। बच्चों से संबंधित चीजों के लिए भी आपको सावधानी की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, शुक्रवार शाम से लेकर के संडे का पूरा दिन, वहां पर आपके लिए स्थितियां अनुकूल होती हुई दिखाई पड़ेंगे। यात्राओं से आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। कोई भी लीगल इश्यूज, कोर्ट केस, वाद विवाद की स्थितियां होंगी, वो आपको हल होती हुई दिखाई पड़ेंगी। इसी के साथ साथ जितने भी कर्क वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बना है, प्रोफेशन व्यवसाय की दृष्टि से समय काफी अनुकूल है। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए अवश्य होंगे। बड़े भाई बहनों और अधिकारियों के साथ में तालमेल बना करके चलने की आवश्यकता रहेगी। भाग्य, पिता, पुरुषार्थ, उच्च शिक्षा से आपको लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। परिवार के अंदर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन, निर्माण, रिनोवेशन, व्हीकल रिलेटेड कुछ इवेंट्स हो सकते हैं। मदर की सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग बच्चों से रिलेटेड कोई प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन से जुड़ करके, बच्चों से जुड़ करके, कुछ लोगों को बच्चों की प्राप्ति
प्राप्तियां या बच्चों से रिलेटेड कुछ आप प्लानिंग कर सकते हैं, जिनके बच्चे बड़े हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ शुभतावली घटनाएं हो सकती हैं, जो लोग एजुकेशन से जुड़ करके कुछ काम कर रहे हैं वहां पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। विशेष रूप से जो लोग आईटी, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय काफी अनुकूल बना हुआ है। थोड़ा सा आप अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर के सावधानी रखिएगा, स्वास्थ्य में छिटपुट दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, पहला दिन मंडे का मॉर्निंग से लेकर के दोपहर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, थोड़ा सा अपने खान पान, वाणी, भाषा शैली का ध्यान रखिएगा, कुछ छिटपुट दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। सोमवार दोपहर से लेकर के बुधवार दोपहर तक का जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा वहां पर आपके लिए यात्राएं होंगी, यात्राओं से लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, आईटी सेक्टर, जिनका ट्रांसपोर्ट का काम है, उन लोगों के लिए काफी अच्छा समय रहेगा, लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा आपके लिए। जर्नीज आपको लाभ देने का काम करेंगी, कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपके लिए अनुकूल होती हुई दिखाई पड़ेंगी। बुधवार दोपहर से लेकर के शुक्रवार शाम तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वहां पर आपको विशेष सावधानी रखनी है। अचानक से परिवार के अंदर कलह क्लेश, वाद विवाद की स्थितियां निर्मित होंगी। मदर के साथ कोई वैचारिक मतभेद या मदर के स्वास्थ्य में कोई छिटपुट दिक्कतें, आप अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधित चीजों के लिए समय उतना अनुकूल आपके लिए नहीं रहेगा। शुक्रवार शाम से लेकर के संडे का जो पूरा दिन रहेगा वहां पर आप लोगों को बच्चों के साथ तालमेल बिठाना है। बच्चे आपको आपसे थोड़ा सा बहस या एक तरीके से आपका कहना नहीं माने, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आपका मन पढ़ाई लिखाई से भड़क सकता है। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है अपने पार्टनर के साथ, स्थितियां आपको दिक्कत देती हुई दिखाई पड़ेंगी। वैचारिक मतभेद की स्थिति निर्मित होगी, थोड़ा सा सहमित होकर के अपने टाइम को निकालिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी सिंह वाले लोग हैं, ये पूरा टाइम पीरियड आपके लिए कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। विदेशों से लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए समय काफी अनुकूल है। आर्थिक लाभ होंगे, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। और किसी भी तरह का परिवार से जुड़ा हुआ कोई बड़ा निर्माण करना है, कंस्ट्रक्शन, घर के अंदर किसी तरह की सुख सुविधाओं की वृद्धि करनी है, उसके लिए समय काफी अनुकूल है। हायर एजुकेशन से जुड़ जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, धर्म, धार्मिक गुरु, रिसर्च, उन सभी रिसर्चर, उन सभी के लिए समय काफी अनुकूल बना हुआ है। बौद्धिक लाभ आप लोगों को प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए आर्थिक लाभ अवश्य लेकर के आएगा। कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इवेंट्स हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में। और ये समय रहेगा जब आप अपने घर के अंदर की चीजों को, कोई निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी फैमिली से जुड़ी हुई चीजें आप इस समय पे कर सकते हैं। जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ संबंधों को जरूर ध्यान रखिएगा। उनके साथ कोई वैचारिक मतभेद या तनाव की स्थितियां भी दिखाई पड़ रही हैं। जो आपके करीबी लोग हैं, मित्र वर्ग हैं, उन लोगों के साथ संबंधों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। आप लोगों के लिए जो सप्ताह का पहला दिन शुरू हो रहा है मंडे का मॉर्निंग से लेकर के दोपहर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा काफी अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास से आप परिपूर्ण रहेंगे। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ आपको लाभ की काफी अच्छे संयोग प्राप्त होंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा, यश, सम्मान मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। मंडे दोपहर से लेकर के बुधवार दोपहर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। परिवार के अंदर किसी तरह का वाद विवाद या आपको कुछ खान पान से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, भाषा शैली वाणी का जरूर ध्यान रखिएगा। हालांकि आपको अचानक से लाभ के योग भी निर्मित होंगे, पैतृक संपत्ति से लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। बुधवार दोपहर से लेकर के शुक्रवार शाम तक का जो टाइम पीरियड रहेगा कुछ जर्नीज होंगी, उसके माध्यम से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। यात्राएं आपके व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कार्य है, कोई भी आपका कमीशन से जुड़ा हुआ कार्य है, कोई कुछ भी आप क्रिएटिव वर्क करते हैं वहां पर आपके लिए सफलता के योग निर्मित होंगे। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा शुक्रवार शाम से लेकर के संडे का पूरा दिन, वहां पर थोड़ी सी सजगता बरतिएगा। परिवार के अंदर अचानक से वाद विवाद, कलह क्लेश के योग निर्मित होंगे। मदर के साथ कोई कहा सुनी, वैचारिक मतभेद, परिवार के अंदर एक अशांति वाला वातावरण आपके लिए निर्मित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप अपने स्वयं के मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। परिवार में कोई वाद विवाद, कलह क्लेश बिल्कुल मत करिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी करने वाले लोग हैं, पूरा टाइम पीरियड आपके लिए आर्थिक दृष्टि से नए नए रास्ते खोल रहा है। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस की उधर उन्नति होते हुए मेहनत, पराक्रम, पुरुषार्थ, भाग्य, जो आपके करीबी लोग हैं, मित्र वर्ग हैं, सिबलिंग्स हैं, उन सभी के माध्यम से लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। प्रेम संबंधों में आपको एक पॉजिटिविटी मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मन आपका थोड़ा सा पढ़ाई की ओर अच्छे से लगेगा। जो भी अवरोध, डिस्टर्बेंस वगैरह रहे होंगे वो दूर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में भी जो अवरोध बना रहा होगा वो सब कुछ आपका दूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
सावधानी जो रखी रखने हैं आपको किसी तरह की ड्राइविंग करते हैं वहां पर जरूर ध्यान रखिएगा, चोट चपेट के योग बनेंगे। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए अवश्य होंगे, भाषा शैली और वाणी का ध्यान रखना है। कुछ भी आप ऐसा नहीं करिएगा जिसकी वजह से आपके भाई बहनों के साथ में कोई संबंधों में तकरार या तनाव नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। काफी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है करने वालों के लिए। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है मंडे मॉर्निंग से लेकर के पूरा दोपहर तक का जो समय रहेगा, थोड़ा सावधानी बरतिएगा। अचानक से खर्चे के योग बनेंगे, वाद विवाद, कलह क्लेश, मदर के स्वास्थ्य में किसी तरह की छिटपुट दिक्कतें, एक तरीके से डिस्टर्बेंस वाला टाइम पीरियड रहेगा दोपहर तक का मंडे का। तो सावधानी रखनी है, पैसे खर्च करने के पहले अच्छी तरह से विचार करिएगा। सोमवार दोपहर से लेकर के बुधवार दोपहर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा काफी अच्छा है। आप आत्मविश्वास से काफी परिपूर्ण रहेंगे, लोगों के बीच में आपकी अलग पहचान बनना, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, यात्राओं के माध्यम से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। व्यवसायिक गतिविधियां आपकी बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। बुधवार दोपहर से लेकर के शुक्रवार शाम तक का जो टाइम पीरियड रहेगा थोड़ा सा संयमित होकर के रहिएगा, किसी से वाद विवाद नहीं करना है। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वाणी का और भाषा शैली का ध्यान रखना है। हालांकि आपको इसी समय पर आर्थिक लाभ भी होते रहेंगे। शुक्रवार शाम से लेकर के संडे का जो पूरा दिन रहेगा काफी अच्छा रहेगा। जर्नीज करेंगे इस टाइम पीरियड में आप, करीबियों को आपको काफी सहयोग मिलेगा। जो लोग किसी भी तरह के आईटी सेक्टर से जुड़े हैं या कोई भी आपका ट्रांसपोर्ट रिलेटेड काम है, कमीशन एजेंट हैं, ब्रोकर हैं, आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी के माध्यम से आपके लिए लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। इसी के साथ साथ जितने भी तुला वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है व्यवसाय व्यवसायिक गतिविधियों की दृष्टि से समय अच्छा है। विदेशों से जुड़ करके आपके लिए लाभ होंगे, आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए अवश्य होंगे। बच्चों से संबंधित जुड़ी हुई चीजों के लिए भी रास्ते आपके खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा सावधानी रखनी है। अनावश्यक व्यय के योग बन रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत अधिक पैसे खर्च होने के योग बन रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस को लेकर के सचेत होकर के रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य संबंधी जो छिटपुट दिक्कतें होंगी वहां आपको राहत मिलेगी। व्यवसाय बिजनेस आपका प्रोग्रेस करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये समय रहेगा जब आपको पैतृक लाभ होंगे, आर्थिक लाभ होंगे, लेकिन अपने चोट चपेट, ड्राइविंग, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। भाषा शैली और खान पान का ध्यान रखिएगा। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए अवश्य हो रहे हैं। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाकर के चलने की जरूरत है। कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन संबंधों का ध्यान आप रखते रहिएगा भी। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है मंडे का मॉर्निंग से लेकर के दोपहर तक का टाइम पीरियड, कहीं से अचानक से आर्थिक लाभ होंगे, पैसों की प्राप्तियां होंगी और अधिकारियों का सहयोग, कुछ अच्छा सा टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। मंडे का जो आधा दिन है मॉर्निंग का, पैसों से संबंधित कुछ शुभता वाले इवेंट्स होंगे। सोमवार दोपहर से लेकर के बुधवार दोपहर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, विशेष रूप से सावधानी रखिएगा। अचानक से यात्राओं में दिक्कतें, पैसों का अपव्यय, मदर के स्वास्थ्य में किसी तरह की दिक्कतें, या आपके लिए एक तरीके से डिस्टर्बेंस वाला समय रहेगा, कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, तो सावधानी के साथ में रहिएगा। अनावश्यक व्यय के योग बनेंगे, फिजूल पैसे आपके वेस्ट होंगे, किसी के साथ वाद विवाद, कलह क्लेश की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, तो वहां आपको सावधानी बरतनी रहेगी। बुधवार दोपहर से लेकर के शुक्रवार शाम तक का जो टाइम पीरियड रहेगा काफी अच्छा रहेगा। आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, कार्य व्यवसाय बिजनेस आपका प्रगति को पाता हुआ रहेगा, भाग्य का आपको काफी सपोर्ट मिलेगा, व्यवसायिक गतिविधियां आपकी बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी, यात्राओं से आपके लाभ के योग निर्मित होंगे। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा शुक्रवार शाम से लेकर के पूरा संडे का दिन, वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। परिवार के अंदर कोई वाद विवाद, कलह क्लेश नहीं होने पाए, अपने खान पान का ध्यान रखिएगा, किसी से आप बातचीत करते टाइम सहमत होकर के बोल रहिएगा। कुछ असफलता जैसी स्थितियां आपके लिए उस समय पर दिखाई पड़ रही हैं। इसी के साथ साथ जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं टाइम पीरियड, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, जो लोग बच्चों से संबंधित कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए समय काफी अनुकूल हो रहा है। हर तरह से आपके लिए सफलताएं मिल रही हैं, पढ़ाई लिखाई, उच्च शिक्षा, रिसर्च, आर्थिक लाभ, समाज में एक तरीके से आपको स्थापित होने का संकेत दे रहा है। इसी के साथ साथ जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, मेहनत, पराक्रम, पुरुषार्थ में आपके लिए वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। विदेशों से लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। जो लोग किसी भी पर्पज से, चाहे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी तरह के बिजनेस से जुड़कर के बाहर जाना चाहते थे, उनके लिए समय अनुकूल है। कोई पासपोर्ट, वीजा रिलेटेड कुछ काम आपका अटका हुआ है, वो सब कुछ आपका पूरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये समय रहेगा जब आपको शत्रुओं से काफी
रिलीफ मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। किसी भी तरह के आपके वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, लीगल इश्यूज होंगे, वो सब कुछ आपके हल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अनावश्यक आप कोई से वाद विवाद मत करिएगा, और कोई हेल्थ रिलेटेड कुछ दिक्कतें हैं तो उसको लेकर के सावधानी रखिएगा। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके लिए देखिए, जो सप्ताह का पहला दिन रहेगा काफी अच्छा है। मंडे मॉर्निंग से लेकर के दोपहर तक का जो समय आप लोगों के लिए है, कार्यक्षेत्र, व्यवसाय, बिजनेस में काफी सफलताओं के योग निर्मित हो रहे हैं। अधिकारियों का लाभ, जिनके साथ में आप काम करते हैं वहां से स्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल रहेंगे। व्यापारिक गतिविधियां आपकी प्रोग्रेस होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद सोमवार दोपहर से लेकर के बुधवार दोपहर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा काफी अच्छा है। आर्थिक लाभ, अधिकारियों का लाभ, मित्र वर्ग का लाभ, जो आपके बॉसेस हैं, जो लोग एनजीओज में काम कर रहे हैं, किसी भी तरह के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके कर रहे हैं काम, आप हर एक तरह से आपके लिए सपोर्टिंग टाइम बना हुआ है। अधिकारी, सरकार से लाभ होता हुआ, जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं, आपके लिए काफी सपोर्टिंग रहेंगे। आर्थिक लाभ आपको होगा, कुछ पैसे अगर आपने पहले से इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं वहां से आपके लिए कुछ आर्थिक गतिविधियां आपके पक्ष में जाती हुई दिखाई पड़ेंगी। बुधवार दोपहर से लेकर के शुक्रवार शाम तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वहां पर आप थोड़ा सावधानी बरतिएगा। समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रहेगा आपके लिए। अचानक से खर्चे होंगे, यात्राएं होंगी, यात्राओं में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पैसों का अपव्यय होगा। मदर की सेहत का ध्यान रखना है। मदर से संबंधित कुछ छिटपुट वाद विवाद आपको देखने को मिल सकते हैं। अनावश्यक व्यय की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, वहां आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। शुक्रवार शाम से लेकर के संडे का जो दिन रहेगा वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। सपोर्ट देने का काम करेगा। जो कुछ भी चीजें आपकी सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ी बहुत आपके अगेंस्ट जा रही होंगी, वो सब कुछ आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई पड़ेंगी। यात्राएं, यात्राओं के द्वारा लाभ, कार्य क्षेत्र विस्तार, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे आप। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। इस तरीके से समाज में आपको अच्छे से स्थापित होने का मौका मिलेगा। इसी के साथ साथ जितने भी धनु वाले लोग हैं, पूरा सप्ताह आप लोगों के लिए फैमिली के अंदर की जितनी भी चीजें होती हैं, कंस्ट्रक्शन, निर्माण, व्हीकल, सुख सुविधाओं की वृद्धि, पैतृक संपत्ति का लाभ, विदेशों से लाभ, कार्य क्षेत्र में सपोर्टिंग टाइम पीरियड, एक प्रोग्रेशन वाला टाइम पीरियड आपको दिखाई पड़ेगा। अपने व्यापार में, बिजनेस में, कुछ भी आपका कुछ अटका हुआ काम है अपने प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों के लिए, उसके लिए समय काफी अनुकूल है। लाभ मिलता हुआ आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। ये समय रहेगा जब आप लोगों के लिए आर्थिक लाभ के रास्ते खुलेंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, और कुछ ना कुछ आपको आर्थिक लाभ अवश्य होंगे धनु वालों के लिए। इसी के साथ साथ जितने भी धनु वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों का है, थोड़ा सा अपने डिसीजंस को लेकर के सचेत रहिएगा। जो भी आप निर्णय लेते हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अपने फोकस को बना करके रखिएगा। जो लोग किसी तरह के प्रेम संबंधों में हैं, पार्टनर के साथ एडजस्ट करके चलिएगा। मन में कोई डाउट मत लाइएगा, गलत डिसीजन, गलत फहमी, वहम, इन चीजों से आप अपने रिलेशन को बिगाड़ सकते हैं, या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आपका ध्यान जो है पढ़ाई से हट सकता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। हालांकि ये समय जो है आप लोगों के लिए कंपटीशन और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। विदेशों से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आप लोगों के लिए जो सप्ताह का पहला दिन शुरू हो रहा है, मंडे मॉर्निंग से लेकर के पूरा दोपहर तक का समय रहेगा। कुछ यात्राएं वगैरह हो सकती हैं, एजुकेशन से जुड़ करके कुछ एजुकेशनल सक्सेस मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन पिता के साथ तालमेल बनाइएगा, उनके स्वास्थ्य में कुछ छिटपुट आपको दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं। पिता से बेचारे के मतभेद की स्थितियां आप लोगों के लिए बनी रहेंगी। सोमवार दोपहर से लेकर के बुधवार दोपहर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, कार्य क्षेत्र, व्यवसाय, बिजनेस आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रोफेशन वाला जो एरिया है आपको काफी लाभ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ के लोगों का सहयोग, अधिकारी वर्ग का सहयोग, व्यवसाय बिजनेस की प्रगति, प्रोग्रेस, कुछ पॉजिटिव इवेंट्स आपको अपने प्रोफेशन में मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बुधवार दोपहर से लेकर के शुक्रवार शाम तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, आर्थिक लाभ लेकर के आ रहा है। अधिकारियों से लाभ, बड़े भाई बहन, जो आपका करीबी मित्र वर्ग है, वो सभी आपके लिए काफी सहयोगी रहेंगे। कहीं ना कहीं से पैसों की आवक होगी। कुछ लोगों के लिए अपने संबंधों के द्वारा, अपने अधिकारियों के द्वारा, अपने बड़े भाई बहन, जो करीबी मित्र वर्ग हैं, उन सभी को माध्यम बना करके कुछ आप लोगों के लिए आर्थिक लाभ की गतिविधियां दिखाई पड़ेंगी। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, शुक्रवार शाम से लेकर के संडे का पूरा दिन, थोड़ा सावधानी बरतिएगा। यात्राओं में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से पैसों का खर्च होना, अपव्यय होना, कलह क्लेश, मदर के स्वास्थ्य में कुछ छिटपुट दिक्कतें, या आपके लिए कुछ अनावश्यक जो दिक्कतों वाला टाइम पीरियड होता है, वह सब चीजें निर्मित हो सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना रहेगा। जर्नीज कर रहे हैं वहां सावधानी बरतिएगा। पैसे वगैरह खर्च करते टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा। बेवजह के आपके
पैसे वेस्ट हो सकते हैं वीकेंड में, तो उसका आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ जितने भी मकर वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। मेहनत, पराक्रम, भाग्य, पुरुषार्थ, इन क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस की स्थितियां आपके लिए अनुकूल बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, इन क्षेत्रों में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किसी तरह के पार्टनर के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई गलत फहमी, वैचारिक मतभेद, दूरी, कलह, क्लेश है, तो वो सब चीजें अब खत्म होने का समय आ गया है। उसको आप आगे बढ़ के सॉल्व करिए, वहां पर आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। भाग्य, पिता, पुरुषार्थ, पराक्रम के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए हो रहे हैं। आप लोगों को जो सावधानी रखनी है, परिवार के अंदर किसी भी तरह का कलह क्लेश को आप बचाने का प्रयास करिएगा। मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मदर के स्वास्थ्य में कुछ छिटपुट आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जिन लोगों का कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ करके है, वहां से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। कुछ भी आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क करते हैं, तो पेपर को अच्छे से देखना है, आपको साइन करने के पहले अच्छे से समझना है। ये समय जहां आपको लाभ दे रहा है, वहीं छिटपुट आपको जो घरेलू चीजें होती हैं उसमें तरह से अशांति के भी योग निर्मित करेगा। ये समय रहेगा जब कुछ लोग आर्थिक लाभ के साथ साथ किसी तरह के रिलेशनशिप में, प्रेम संबंधों में भी जा सकते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी प्रोफेशन को माध्यम बना करके कुछ आप लोगों के लिए लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, कोई गलत चीजों में अपने आप को मत इन्वॉल्व करिएगा। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, मंडे मॉर्निंग से लेकर के दोपहर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा। आप अपने आप को मेंटली इमोशनली बहुत उखड़ा हुआ, डिस्टर्ब सा पाएंगे, तो कोई भी बड़े निर्णय करने हैं उसके लिए दोपहर तक का समय बिल्कुल सही नहीं है। अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। दोपहर के बाद से जो स्थितियां बनेंगी, पूरा सोमवार दोपहर से लेकर के बुधवार दोपहर तक का जो टाइम पीरियड शुरू होगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्राएं होंगी जो कि आपके एजुकेशन, रिसर्च से जुड़ करके हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं, भाग्य, पिता, पुरुषार्थ, इन क्षेत्रों से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, पिता के साथ वैचारिक मतभेद के योग बनेंगे। पिता के स्वास्थ्य में आपको छिटपुट दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। बुधवार दोपहर से लेकर के शुक्रवार शाम तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, व्यवसाय, बिजनेस, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफी अनुकूल है। वहां की स्थितियां आपको लाभ देती हुई दिखाई पड़ेंगी। अधिकारियों का आपको काफी सपोर्ट मिलेगा, जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं वहां से समय आपके लिए काफी अनुकूल बना हुआ है। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, शुक्रवार शाम से लेकर के संडे का पूरा दिन, ये टाइम पीरियड आपको अपने बड़े लोगों के साथ में काफी अच्छा व्यतीत होगा। जो लोग एनजीओ से जुड़ करके कार्य करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफी लाभ का समय रहेगा। आपके अधिकारी वर्ग, बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग के द्वारा आपके लिए काफी सपोर्टिंग टाइम पीरियड है। इसी समय में कुछ आपका पहले से रुका हुआ, अटका हुआ पैसा है, उन सभी के माध्यम से आपके लिए आर्थिक लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। इसी के साथ साथ जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, ये टाइम पीरियड थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य रिलेटेड चीजों के लिए थोड़ी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। विदेशों से जुड़कर के जिन लोगों का कार्य व्यवसाय है, उनके लिए समय अनुकूल है, वहां पर आपके लिए लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। ये समय रहेगा जब आपके कोर्ट कचहरी, लीगल इश्यू से संबंधित चीजों में सफलताएं मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी। जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़ करके कार्य करते हैं, जो कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, यात्राएं करना चाह रहे हैं, कुछ आपको वीजा या कहीं पे कुछ जर्नीज रिलेटेड कुछ इश्यूज आपके अटके हुए हैं, वो सारी चीजें आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई पड़ेंगी। थोड़ा सा सेहत का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ साथ जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, इस समय आप लोगों के लिए पैसों की दृष्टि से काफी अच्छा है। आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, पैतृक संपत्ति का लाभ, कार्य क्षेत्र में विस्तार, किसी तरह के डिस्प्यूट, लीगल इश्यूज वगैरह हैं, वो सब कुछ आपके सॉल्व होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए समय काफी अनुकूल है। ये समय रहेगा जब आपके लिए मेहनत, पराक्रम, पुरुषार्थ से लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। व्यवसाय, बिजनेस में भी आपके लिए समय काफी अनुकूल बना हुआ है, लेकिन जो आपका व्यवसायिक पार्टनर है और लाइफ पार्टनर है, उसके साथ संबंधों का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ये समय आपको यात्राएं दे सकता है, एजुकेशन से जुड़ करके या धार्मिक यात्राएं, आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए अवश्य होंगे। कुंभ वालों के लिए जो ध्यान रखना है, सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं मीन वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, पहला दिन मंडे मॉर्निंग से लेकर के दोपहर तक का जो समय रहेगा, वो आपके व्यवसायिक गतिविधियों की दृष्टि से काफी अच्छा है। व्यवसायिक पार्टनर, जीवन साथी के द्वारा आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। यात्राएं होंगी जो कि आपके कार्य, व्यवसाय, बिजनेस को बढ़ाने वाली होंगी। सोमवार दोपहर से लेकर के बुधवार दोपहर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आप लोग जरूर सावधानी बरतिएगा, समय एकदम से विपरीत हो जाएगा। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है, निर्णय लेना है, उसके लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है।
आप टालने का प्रयास करिएगा। कुछ भी मीटिंग करनी है, पेपर रिलेटेड वर्क करना है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, उसके लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है। मेंटली इमोशनली आप काफी डाउन रहेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बड़े निर्णय लेने से बचिएगा। बुधवार दोपहर से लेकर के शुक्रवार शाम तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यात्राएं होंगी, यात्राओं के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। भाग्य पिता पुरुषार्थ से आपके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। पिता की सेहत में छिटपुट दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, पिता के साथ आपको तालमेल बनाना है। जो लोग आईटी सेक्टर टूर ट्रेवल्स मास मीडिया क्रिएशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय काफी अनुकूल रहेगा। शुक्रवार शाम से लेकर के संडे का जो पूरा दिन रहेगा, यहाँ पर आपका जो व्यवसाय है, बिजनेस है, वो आपको लाभ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में स्थितियां काफी अनुकूल रहेंगी। अधिकारियों का लाभ मिलना, साथ के लोगों का आपको सपोर्ट मिलना, फैमिली के अंदर कोई शुभता वाले इवेंट्स होना, इस तरह की स्थितियां आप लोगों के लिए बनी हुई हैं। वीकेंड आप लोगों के लिए काफी सपोर्ट देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। व्यवसाय बिजनेस के माध्यम से लाभ के योग निर्मित होंगे। जितने भी मीन वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों का है, विदेशों से जिनका जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय है, वहां से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। कुछ खर्चे की स्थितियां भी निर्मित हो रही हैं आप लोगों के लिए। शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से लाभ के योग निर्मित होंगे। जो लोग रिसर्च उच्च शिक्षा से जुड़ करके कार्य करते हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए समय काफी अनुकूल है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यवसायिक गतिविधियों की दृष्टि से, उच्च शिक्षा की दृष्टि से, बच्चों की दृष्टि से, यात्राओं के माध्यम से, व्यवसाय बिजनेस के माध्यम से समय आपके लिए काफी अनुकूल बना हुआ है। मीन वालों के लिए जो इस समय है, कुछ लोगों के लिए इस समय पे विवाह की स्थितियां निर्मित होंगी। प्रेम संबंधों में आप जा सकते हैं। जिनके बच्चे नहीं है, वो बच्चों की प्लानिंग कर सकते हैं। जिनके बच्चे बड़े हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं। उनकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय समय पर आप कर सकते हैं। यात्राएं, व्यापार, सब कुछ आपको लाभ देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, पिता, रिसर्च, इन क्षेत्रों से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित बनी हुई हैं। ध्यान रखने वाली जो चीज है, मीन वालों के लिए थोड़ा सा अपनी भाषा शैली और वाणी का ध्यान रखिएगा। कोई भी कटुता या कड़वाहट वाली चीजें आप बिल्कुल मत बोलिएगा, उससे आपके लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में जो परिस्थितियां रहती हैं, वहां पर आपको अपने संबंधों का ध्यान रखना है। प्रोफेशन आपको सपोर्ट दे रहा है, लेकिन लोगों के साथ में आपको तालमेल बिठा करके चलने की जरूरत रहेगी। और जो लोग नौकरी करते हैं, सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वहां से आप लोगों के लाभ मिलेंगे। कुछ भी आपका डिस्प्यूट, लीगल पेंडिंग, अटकी हुई चीजें रही होंगी, वो सब कुछ आपका सॉल्व होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए सप्ताह मिला जुला प्रभाव देगा। बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित प्रेडिक्शन है, तो आप लोग सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। और एक बार आप सभी लोगों को मैं फिर से थैंक्स बोलती हूँ, अपने सभी व्यूअर्स को आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और इसी के साथ मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि नए साल 2023 के लिए मैंने वीडियो डालने शुरू कर दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके या जहाँ पर वीडियो का ऑप्शन होता है उसमें जा करके देखेंगे, तो अलग अलग राशियों के वीडियो डालने मैंने शुरू किए हैं, तो उसमें से आप देख सकते हैं। ट्रांजिट के जितने भी वीडियो हैं उसको भी आप देख सकते हैं। सैटर्न का जो मार्गी होना है उसके ऊपर भी वीडियोस हैं, गुरु के मार्गी होने के ऊपर, तो अलग अलग राशियों के भी हैं, वहां से भी आप चीजों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और न्यू ईयर के 2023 के जो वीडियोस हैं उनको आप लोग जरूर सुनिए। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए फिर से मैं बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। फिर कुछ नए वीडियोज लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए ज्योतिष से संबंधित। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।